बीते दिनों अम्बाला छावनी के सदर बाजार में नगर परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई थी। इस दौरान दुकानों के बाहर बने थड़ों को भी पीले पंजा चलाकर तोड़ा गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा मौके पर पहुंची और नगर परिषद अधिकारियों से ये मांग की थी कि बाजारों में मार्किंग की जाए और दुकानदारों को बताया जाए कितना हिस्सा वैध है और कितना अब अपना है। अपनी इस मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उपायुक्त अम्बाला को ज्ञापन सौंप। इस दौरान उन्होंने ये मांग की कि नगर परिषद के अधिकारी बाजारों में दुकानों को मार्किंग के माध्यम से ये बता दें कि कितना हिस्सा वैध है और कितना अवैध है। आप नेत्री चित्रा सरवारा ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि पहले कोरोना फिर बाढ़ की वजह से दुकानदार परेशान है और अब उनकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। अगर कल भी नगर परिषद कार्यवाही करेगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा। वहीं नूह में हुई हिंसा घटना को लेकर चित्रा सरवारा ने कहा कि ये वक्त है कि अपनी सामाजिक दूरियों को दूर करके एकजुट होकर काम करने का। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि ये वक्त एक दूसरे के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने का नहीं बल्कि एकजुट होकर काम करने का है। देखिए, 2 तारीख की शाम को अम्बाला सदर में कॉरपोरेशन और प्रशासन ने अनाउंसमेंट करी और उसके बाद 3 तारीख की सुबह को तोड़फोड़ करने जेसीबी आ गई थी इन द नेम ऑफ इलीगल एनक्रोचमेंट। उन्होंने कहा अवैध यहाँ पर जो है कब्जा कर रखा है दुकानदारों ने, से तोड़ा जाएगा। हम एकदम जब मौके पे पहुंचे तो देखा कि जिधर से तोड़ाफोड़ी शुरू हुई थी तो उसमें कोई सिस्टम, कोई उसमें नियमितता किसी तरह की नहीं थी। एक दुकान तोड़ी, 2 छोड़ दी, 3 तोड़ी, 1 छोड़ दी और बड़ा पिक एंड चूज तरीके से, और समझ नहीं आया वो बाहर आने की इंक्रोचमेंट मांग रहे हैं कि हाइट की इंक्रोचमेंट मांग रहे हैं। वहां जाकर हमने प्रशासन को उस दिन रोका और प्रशासन से हमने कुछ बातें उस वक्त रखी थी सामने, जो हमने सोचा प्रशासन मद्देनजर रखेगा आगे की कार्रवाई के लिए। लेकिन ठीक उसके अगले दिन एक बार फिर बुनियादी करा दी गई बाजारों के अंदर कि आप 3 दिन में सामान उठा लीजिए। कोई तो कह रहा है कि वो तोड़ेंगे, कोई कह रहा है सिर्फ सामान उठाने की वो है। तो ये सारा असमंजस, ये जो एक दुकानदारों के सर पे जो तलवार लटकी है, इसको देखते हुए हमने जो उस दिन सुझाव दिए थे, आज हम डीसी अम्बाला के माध्यम से कमिश्नर और डीएमसी को पहुंचाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कुछ कॉमन सेंस, कुछ मैं कहूंगी जो नॉर्मल सोच से लेकर और लोगों से चर्चा कर बाजार में बैठे व्यापारियों से बात कर कुछ सुझाव जो निकाले वो दिए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर है जो हमने उस दिन भी कहा था, जहां पंजा मार सकती है जेसीबी, वहां प्रशासन आधे कुची से निशान भी लगा सकता है, जिसमें लोगों को पता हो यहां तक प्रशासन तोड़ेगा ये उनका है, इससे आगे मेरा है। हमारे प्लान की प्लानिंग के अंदर जीएलआर वगैरह के अंदर एक बर्म भी था, एक फुटपाथ की जगह हमेशा होती थी हर बिल्डिंग के बाद, वो भी सुनिश्चित करी जाए। इसके अंदर निशान के बाद प्रशासन हर दुकानदार को मौका दे, एक ग्रेस पीरियड कि इतने में हमसे आके पूछ लीजिए या सवाल जवाब कर लीजिए अगर आपको उस निशान से कोई प्रॉब्लम है। जब आपत्तियां सुलट जाएं तो प्रशासन, जो इतने भी मार्केट के एसोसिएशन है, उनसे बैठकर एक शेड्यूल बनाएं भी हम आज इस बाजार में आएंगे, आज सदर बाजार में आएंगे, आज हम राय मार्केट में आएंगे, आज हम वहां जाएंगे, और जब उस शेड्यूल को दुकानदारों से और पब्लिक से साझा करें। और उस शेड्यूल में एक बहुत जरूरी बात जोड़ी जाए, वो ये है कि शेड्यूल में अगर लिखा है ना हम एक महीने में हफ्ते में तोड़ देंगे, तो उसे एक हफ्ते में एक महीने में बनाने का शेड्यूल भी पैरेलल बनाया जाए, उसके लिए टेंडर पहले ही दे दिया जाए, तोड़ा रिपेयर करा और आगे चले जाइए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप पूरे बाजार को तोड़ के चले जाएं और फिर वापस ही ना आए, जनता चोट भी खाए, बुजुर्गों की हड्डियां भी टूटे, बच्चे महिलाएं फिसले भी और दुकानदार का उसमें नुकसान हो। पिछली बार जब पाइपलाइन डालने के लिए बाजार तोड़ा गया था तो उस वक्त 3 महीने तक कोई से बंद करने नहीं आया, दुकानदारी में नुकसान देखते हुए सब व्यापारियों ने अपने पैसे लगाकर बनाए और आज बनाए तो फिर तोड़ने आ गए। हमें समझ नहीं आता प्रशासन उस वक्त आंखें मूंदता है कि इन बेचारों के खून पसीने की कमाई में आग लगाने में प्रशासन को और सत्ता को मजा आता है। तो आज हमने ये सुझाव दिए हैं कि कॉमन सेंस के तरीके से निशानदेही करें, क्लियर डायलॉग करें, सबसे सांझ कर एक प्लान तरीके से करें, और अगर तोड़ रहा है प्रशासन समय सीमा के साथ तो बनाने की समय सीमा पहले दें। देखिए बनाने में तो पता नहीं कितना समय लगता, हम कहेंगे बनाता ही नहीं है प्रशासन, यहाँ पर महीनों महीनों तक वहाँ पर सामान टूटा पड़ा रहता है, लोग गड्ढे में जाए, गाड़ी गड्ढे में जाए, बरसात के अंदर क्या हुआ। और ये जो तोड़फोड़ करनी है, पूरा अम्बाला आज बाढ़ग्रस्त है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आज फैक्ट्रियां जिसमें लोग घुस नहीं पा रहे हैं, पूजा विहार सोनिया विहार कॉलोनियां जहां से पानी की निकासी नहीं है, आप डीसी ऑफिस में आए तो यहां पानी खड़ा हुआ है। प्रशासन को यहाँ मशीन और अपना अमला जमला लगाना चाहिए कि जाके अब की तारीख में
इस मुश्किल में जाके एनक्रोचमेंट याद आ गई। हम कह रहे हैं बरसात है, बाढ़ है, आने वाले त्योहार है, प्लीज सारी बातों को सोचकर एसोसिएशन से बात करके बात करें। चित्रा जी, एक